G20 समिट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा है। कभी लॉकडाउन की अफवाह तो कभी मेट्रो बंद की अफवाह, और इन्हीं अफवाहों के चलते दिल्लीवासी पैनिक होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला और आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में लोग धड़ल्ले से शराब की खरीदारी कर रहे हैं। करीब एक हफ्ते से शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। लोग शराब खरीद कर घर में स्टोर कर रहे हैं और इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि G20 समिट बताई जा रही है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार G20 सम्मेलन की वजह से लोग इन दिनों शराब की पैनिक बाइंग कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से दिल्ली और आसपास में शराब की बिक्री 20% तक बढ़ी हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। दिल्ली में लॉकडाउन लगने की खबर एकदम गलत है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में शराब की दुकानें बंद होंगी, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। अधिसूचना के अनुसार नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट के तहत आने वाले इलाकों में 8 से 10 सितंबर के दौरान शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट के इलाके में मुख्य तौर पर वो इलाका आता है जिसे लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता दिल्ली में जमा हो रहे हैं। कार्यक्रम में अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी समेत तमाम देशों के लीडर शरीक होंगे। इस कारण सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।